दीपक मिश्रा, अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। काफी दिनों से आप सभी की बहुत सारी डिमांड आ रही थी कि सर एनटीपीसी पे कुछ शुरू कीजिए, तो आप ही लोगों की बातों को ध्यान में रखते हुए आज से हम एनटीपीसी का एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। तो आज एनटीपीसी का सीरीज शुरू करने से पहले सबसे पहले आज हम बात करेंगे एनटीपीसी के सिलेबस पर, आखिर हमें पढ़ना क्या है। एनटीपीसी का सिलेबस आप लोगों ने फॉर्म भरते समय सभी ने देख लिया होगा, सिलेबस जो है ये काफी लंबा चौड़ा बनाया हुआ है, सिलेबस में कुछ भी छोड़ा नहीं गया है, तो इसे देख करके आप काफी परेशान हो रहे होंगे। लेकिन इसमें इतनी परेशान होने की कोई बात नहीं है, सिलेबस को यदि हम तरीके से पढ़े तो बहुत कम समय में इसे कवर कर सकते हैं और साथ ही साथ हमें मेहनत भी बहुत कम करने की आवश्यकता होगी। तो आइए सबसे पहले आज हम चलते हैं सिलेबस का एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कि सिलेबस में क्या दिया गया है। और हाँ, मैं पूरा डिटेल सिलेबस आपको नहीं बताने जा रहा हूँ, हम लोग बात करेंगे कि इस जो सिलेबस को जो रेलवे ने जारी किया हुआ है इसमें से हम क्या पढ़ें, कितना पढ़ें और किस प्रकार से पढ़ें कि हमारी तैयारी जो है ये सटीक हो जाए। तो आइए देखते हैं सिलेबस। एनटीपीसी का एग्जाम जो है ये दो पार्ट में होगा, फर्स्ट पार्ट जो होगा ये प्री होगा और प्री क्वालिफाई करने के बाद आपको मेंस का पेपर देना पड़ेगा। इसे रेलवे ने दो भागों में बांटा है, सीबीटी 1 और सीबीटी 2। जैसा कि आप यहां पर फ्रेम में देख रहे हैं, सीबीटी 1 यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फेज 1 और सीबीटी 2 यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है ये पार्ट 2 है। सीबीटी 1 जो है और सीबीटी 2 में पहले तो दिमाग में डाल लीजिए कि ये दोनों जो है ये अलग अलग हैं, लेकिन रेलवे ने दोनों के सिलेबस को लगभग एक समान रखा है, सिलेबस में कोई बदलाव नहीं किया है, सिर्फ बदलाव है तो यहां पर अंकों का है। आइए हम इसे क्लियरली समझते हैं। सीबीटी 1 जो होगा इसमें कुल 100 प्रश्न होंगे, 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन होंगे, जिसको बनाने के लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा। सीबीटी 2 जो होगा, सीबीटी 2 में 120 प्रश्न होंगे और कुल 120 अंकों के होंगे और इसे सॉल्व करने के लिए आपको कुल 90 मिनट का समय दिया जाएगा। साथ ही साथ नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, नेगेटिव मार्किंग जो होगा ये 1/3 होगा, इसीलिए प्रश्नों को बनाते समय आपको नेगेटिव मार्किंग का भी ध्यान में रखना है और अनावश्यक प्रश्नों को नहीं बनाना है। जो प्रश्न आप जानते हैं उसे आप बनाइएगा और जो आप नहीं जानते हैं उसे आपको छोड़ देना है। साथ ही साथ अगर ऐसे प्रश्न आते हैं जिसमें आप कंफ्यूज हैं कि आपको लगता है कि दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको हो सकता है कोई, तो वैसे स्थिति में 50% कंफ्यूजन की स्थिति में आप प्रश्नों को बनाइए, बट 100% कंफ्यूजन की स्थिति में प्रश्नों को छोड़ देना बेहतर होता है। तो ये हो गया सीबीटी 1 और सीबीटी 2। अब आइए देखते हैं कि सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। रेलवे ने इसे इस बार सेक्शन को तीन भागों में डिवाइड किया है। पहला सेक्शन है जीएस यानी कि जनरल स्टडीज यानी कि सामान्य अध्ययन, दूसरा है मैथ्स और तीसरा है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। जो सीबीटी 1 होगा, सीबीटी 1 में जीएस यानी कि सामान्य अध्ययन से आपको 40 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, मैथ से यानी गणित से 30 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे और रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंट इससे भी आपको 30 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। जो सीबीटी 2 होगा यानी कि मेंस होगा, मेंस में आपको जीएस यानी सामान्य अध्ययन से 50 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि यहाँ पे 10 अंक बढ़ गए। गणित जो होगा यानी मैथ्स, मैथ से आपको 35 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, सीबीटी 1 की तुलना में यहाँ पे 5 अंक और बढ़ गए। और रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस जो है इससे भी 35 अंक यानी 35 मार्क्स के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, यहाँ पर भी 5 मार्क्स इंक्रीज कर गए। यानी कि सीबीटी 1 में जीएस, मैथ्स एंड रीजनिंग को मिलाकर टोटल 100 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे और सीबीटी 2 में जीएस, मैथ्स एंड रीजनिंग को मिलाकर के टोटल 120 मार्क्स यानी कि 120 नंबर के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि सीबीटी 1 में सामान्य अध्ययन से क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे और किन किन चीजों पर आपको ज्यादा फोकस करना है। आप लोग जानते हैं कि ये जो सामान्य अध्ययन होता है, ये सामान्य अध्ययन काफी विस्तृत खंड होता है, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसे बहुत इत्मीनान से, बहुत धैर्य से, बहुत कम समय में हम तैयार कर सकते हैं। सामान्य अध्ययन में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जिसे हमें सबसे अधिक ध्यान देना है, वो है समसामयिक घटनाक्रम यानी कि करेंट अफेयर्स। इसमें आपको राष्ट्रीय स्तर की और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की दोनों प्रकार की घटनाओं पर पकड़ बनानी है। इसके लिए आप कोई स्तरीय मैगजीन लेकर पढ़ाई कर सकते हैं या फिर आप जो है रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर ये देख करके आप कमांड कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको समय काफी लग जाएगा। इसलिए आप ये करें कि
बाजार में जो पत्रिकाएं मौजूद हैं उनमें से कोई एक स्तरीय पत्रिका का चयन कीजिए और इसे पढ़ना शुरू कीजिए, और साथ ही साथ हमारा चैनल भी देखिए, इसमें हम रेगुलर इसको अपडेट कराते रहेंगे, और साथ ही साथ जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे उनका कलेक्शन में इसी वीडियो के माध्यम से अपने चैनल में देने का प्रयास करूंगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण खंड है सामान्य अध्ययन का, यह है विज्ञान। पिछले वर्ष के जो पिछला एग्जाम हुआ इसमें विज्ञान से काफी प्रश्न पूछे गए थे। विज्ञान में आपको ट्रेडिशनल तीनों विज्ञान, बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को आपको देख ही लेना है, यानी कि जीव विज्ञान से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। उसके बाद भौतिक विज्ञान, और भौतिक विज्ञान के ही एक खंड के रूप में आपको कंप्यूटर साइंस को भी देख लेना है, और साथ ही साथ में आपको देख लेना है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री और ये जो साइंस वाला जो सेक्शन है, यहाँ से किन किन खंडों से प्रश्न ज्यादा पूछे जाएंगे इस पर हम लोग फिर एक वीडियो बना करके एनालिसिस करेंगे। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि विज्ञान में भी आपको किन चैप्टर्स पर विशेष ध्यान देना है, और साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण चैप्टर होंगे उन पर मैं वीडियो बना करके आपको बताने का प्रयास करूंगा, समझाने का प्रयास करूंगा, ताकि आप परीक्षा में बेहतरीन स्कोर कर सके। अगला खंड जो है ये हमारा है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में हमें मुख्य रूप से इतिहास में प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, ये सभी देखने हैं। राजव्यवस्था में विशेष रूप से हमें भारत का संविधान और भारत का प्रशासन कैसे चलता है ये देखना है। उसके बाद भूगोल और अर्थव्यवस्था, ये खंड जो है ये काफी विस्तृत है, इसके लिए आप ज्यादा परेशान मत हों। आपने इतिहास में जो भी अभी तक तैयारी की है उसको आप रिविजन कर लें एक बार, और सेट प्रैक्टिस से प्रैक्टिस सेट्स ले लें, और प्रैक्टिस सेट्स बनाने का प्रयास करें। प्रैक्टिस सेट्स कैसे बनाने हैं, कौन सा सेट खरीदना है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से इस पर बातचीत करूंगा। राजव्यवस्था, तो राजव्यवस्था पर मैं वीडियो अपलोड करूंगा और आपका ये बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। बची भूगोल, तो भूगोल पर भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा, वो भी आपको मैं पूरी तरह से कवर करा दूंगा। और अर्थव्यवस्था जो है ये काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से भारत की अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, और साथ ही साथ भारतीय अर्थव्यवस्था का एक बहुत विस्तृत खंड जो है ये जो है आपको करंट अफेयर्स के साथ भी जुड़ेगा, यानी कि अर्थव्यवस्था यहाँ भी महत्वपूर्ण है और करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, यानी कि इसका महत्व जो है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डबल इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसके अलावा आपको विविध देख लेने हैं, तो विविध बहुत दिक्कत की चीज नहीं है, ये बहुत आसान चीज है। विविध में मेनली आपको वन लाइनर जो जीके होते हैं वो आपको देखने हैं, जो मुख्य रूप से आपको लुसेंट वगैरह में मिल जाएंगे। लुसेंट की जो बुक होती है इसमें पीछे के साइड में आपको दिया हुआ है, जैसे कि खेल कूद, कौन सा खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, मैदान की माप वगैरह, ये सारी चीजों को देख लीजिए। पुरस्कार सम्मान देख लीजिए, विश्व में प्रथम देख लीजिए, भारत में प्रथम देख लीजिए, लंबा छोटा बड़ा ये देख लीजिए। साथ ही साथ आप पुस्तक और उनके लेखकों को देख लीजिए, ये खंड थोड़ा सा लंबा हो जाता है। पुस्तक और लेखक में आपको इतिहास की पुस्तकें और उनके लेखक को भी देख लेना है। साथ ही साथ आपको महत्वपूर्ण दिवस, सप्ताह, वर्ष वगैरह होते हैं ये देख लेना है, और लुसेंट के पीछे जो भी आपको वन लाइनर वाले प्रश्न मिल जाते हैं इनको आपको कर लेना है। मैथ्स का सिलेबस काफी विस्तृत दिया हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप यहाँ पे ये छह खंड कर लें तो आपका मैथ्स लगभग जो है ये आप अच्छा स्कोर कर लेंगे। मैथ्स में आप पहला चैप्टर देख लीजिए नंबर सिस्टम, दूसरा आप देख लीजिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तीसरा आप देख लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस, चौथा देख लीजिए परसेंटेज, फिफ्थ देख लीजिए मेंसुरेशन, और सिक्स्थ देख लीजिए सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि SI and CI देख लीजिए। इसके अलावा एडवांस मैथ भी जोड़ा गया है, अगर आपका एडवांस मैथ ठीक ठाक है तो आप बनाइए, और अगर नहीं है तो अभी सीखने का समय नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। 2 से 3 नंबर का एडवांस मैथ से प्रश्न आएगा, इसके लिए आप ज्यादा परेशान नहीं हो, क्योंकि अगर इसमें आप ज्यादा समय देंगे तो बाकी जो विषय है ये आपका प्रभावित हो सकता है। इसलिए अगर एडवांस मैथ आपका ठीक है तो करें इसको, और नहीं है तो बिल्कुल आप इसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस। रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस में मुख्य रूप से 4 चैप्टर पे आप कमांड कर लीजिए। पहला चैप्टर है कोडिंग एंड डिकोडिंग, दूसरा है एनालॉगीज, थर्ड है साइलो, चौथा है स्टेटमेंट, और अगर कर सकते हैं तो फिफ्थ वाला भी कर लीजिए पजल। लेकिन इसमें बैंकिंग की तरफ बड़े बड़े जटिल पजल आने की संभावना नहीं है, इसमें छोटे छोटे रेलवे टाइप के पजल आप देख लीजिए। इसके लिए भी आप प्रैक्टिस सेट लेकर के या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक लेकर के इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया सिलेबस का एक एनालिसिस। आज के वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करूंगा उस वीडियो में इस सिलेबस को हमको कवर कैसे करना है, आपको कौन सी पुस्तकें लेनी है, कौन से सेट्स लेने हैं, सेट क्या होता है, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, ये सब के बारे में मैं आपसे डिटेल करूंगा और आपको संक्षेप में बताने का प्रयास करूंगा कि आप अपने से तैयारी कैसे करें ताकि हम कम मेहनत में उच्चतम स्कोर हासिल कर सकें।
उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, और साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताइए कि कौन सा सब्जेक्ट मैं आपके लिए सबसे पहले शुरू करूं, किस सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा परेशानी है वो आप मुझे बताएं, तो आप लोग जैसा कहेंगे उसी हिसाब से हम लोग स्टार्ट करेंगे, करेंगे सारा को, लेकिन शुरुआत करेंगे आप ही लोग से। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ आज के अपने इस वीडियो का एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच।